आज आपको मिलेगा दही बड़ा का रेसिपी देखने को। वीडियो को एंड तक, पानी उनी कुछ नहीं दिया, खाली लहसुन और मिर्चा दिया हुआ है। चलिए अभी इसको पीसते हैं। ये हल्का से नमक और पानी, इसको हल्का से फुलाएंगे। पानी में फुला के फिर दही डालेंगे। हमारा दही बड़ा बन के रेडी हो चुका, देख सकते हैं ऐसा है। हाँ चलो चलो बोला दीजिए ना, पकड़ लेंगे। चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह अपने खेतों में लगे हुए थे, काम किए पूरा, सबको पानी नहीं पटाए, खाद उद दिए हैं। और इधर नंदिनी भिड़ी हुई अपना काम में, गुल्लू भी नहा धो के रेडी हो गया ना बेटा, और बिटिया रानी को भी नहला रही है नंदिनी, तो भी नहा ली है ना बिटिया रानी, नहा ली ना, ये है नहा ली है। इतना सारा कपड़ा धोना था, पूरा सफेदा फेदा पूरा सब कपड़ा धो लिए नंदिनी ने, सुबह सुबह अपना काम पूरा कर लिया है नंदिनी। हम भी अपना काम उधर का कर लिए हैं, और इधर का भी झाड़ू बर्तन सब हो गया। झाड़ू से बर्तन धोए हैं, खाना बना लिए, नाश्ता वास्ता बन गया। बाहर में देख सकते पूरा पानी मार रही है, निप दिए फिर से, निप नहीं रही है कि इतना धूप है दोस्तों, बार बार निप के कोई फायदा नहीं हो रहा, पापड़ी निकल ही जा रही, इतना गर्मी है। पानी मार मार के काफी पानी डाली है टब भर के, लेकिन फिर भी सूख गया पानी सर। अब जा रहे बस नहाएंगे, पूरा भीगी हुई देख रहे ना, और मेरा दही बाड़ा भी पूरा ना एकदम ये हो जा रहा है पूरा, चूल्हा में भिगा दिया सब, निप नाप देंगे। नंदिनी नहा के फ्रेश हो गई है और तैयार हो रही है, अभी कहीं तो जा नहीं सकती क्योंकि धूप तो इतना हार्ड है ना, क्या बताएं। आप क्या सिंदूर बिंदी भी नहीं लगाए क्या? हाँ लगा का ही सकती, जरूर लगाएगी। अरे तो वो खेत में काम है इसीलिए भी हम नहाए ही नहीं है, सोचे थोड़ा सा धूप घटेगा ना तब जाके काम करेंगे। अच्छा नहीं करे, मेरे को गोबर लाना है तब होगा ना, बिना गोबर का हो जाएगा? देखिए लाया करे तो लाती नहीं है, कभी नहीं लाई आज तक धो के, कौन धोया घर का काम भी करे। सारा काम हम खुद ही कर ले रहे, तो आप जाके सिर्फ आप औरत बन जाइए। अच्छा हम उधर का काम करेंगे, तो घर आप कीजिएगा, हम जा रहे हैं गोबर लेके आज करीब 6-10 बोरा लाना है क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ लगाना है, भिंडी हमारा जो भिंडी था ना वो सबको लगाना है, इसीलिए आईना का खरीद के दीजिएगा हमें इतनी, ये इसका जिंदगी में ऐसे ही आईना है। उधर मेरा बच्चा को उठा दिया, लेकिन उल्लू बहुत बदमाश है, बिटिया रानी सो रही थी उसको उठा दिया। नाश्ता तो बन गया दोस्तों, अब खाएंगे नाश्ता करेंगे, शाम होने वाली है करीब 4:30 बज गया, लेकिन धूप तो हार्ड ही है, तो हम तो सोचे थे गोबर लाने जाएंगे पर धूप कम नहीं हो रहा है दोस्तों। इधर देखिए नंदिनी अपना तैयारी में भीड़ गई है, क्या कर रहा है गुल्लू, कसकस के बजारता है कोई चीज। इधर नंदिनी बनाने जा रही है दही बड़ा, तो अभी इसका रेसिपी तैयार करेगी। ये पूरी दाल ना, इसको फूलने दे दी थी रात में ही, ये फूल चुका है, अब इसको मिक्सी में पीसेगी, थोड़ा सा लहसुन और मिर्ची। क्या चाहिए बेटा आपको, खेल के आया दोस्तों, कहाँ से पता नहीं, पर देख रहे बाल उलू सब लगा लिया, दाल भात देना इसमें, मतलब नया कटोरी देखा ना निकाल, अभी ना नहीं निकाली अपना डिनर सेट, बहुत दिन से रखा हुआ था ना दोस्तों, तो बोली चलिए निकाल लेते, इसी में दही बड़ा रखेगी, दे दो बेचारा को दाल भात दे दो, खाएगा बोल रहे आज कहाँ का चांद होगा जो दाल भात खाए, नहीं है दे दो उसमें खाएगा। चलिए रेसिपी तैयार करेंगे दोस्तों, आज आपको मिलेगा दही बड़ा का रेसिपी देखने को, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा पता चलेगा कैसे बनेगा दही बड़ा का। बेटर ना थोड़ा टाइट ही रहना चाहिए, पर ढीला रहेगा तो अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा टाइट रहने से थोड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए पानी उनी कुछ नहीं दिया, खाली लहसुन और मिर्चा दिया हुआ है, तो चलिए अभी इसको पीसते हैं। नंदिनी पीसेगी, पूरा मेरा पूरा बढ़िया से एकदम इसको पीस दिए हैं। अब इसमें नंदिनी खाने ला सोडा डाल रही है, ज्यादा नहीं डालेगी, थोड़ा सा डालेगी, इतना थोड़ा, चुटकी भर, चुटकी भर सिंदूर, ये सुंदर नहीं है अभी तक ने कितना गढ़ा है हमारा बेटर,
इतना गाढ़ा है कि पूछने का नहीं। इसमें थोड़ा सा नमक, हाथ को लोया करेगा ना तभी पूरा हाथ में सटना नहीं चाहिए। नमक कितना ठीक है ना? हाँ ठीक है। और ये जीरा भून लिया, थोड़ा सा डाल देगी इसमें स्वाद आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी देंगे, अच्छा लगेगा। धनिया पत्ता कहाँ है? वो काटना पड़ेगा, वो बाद में मिला लेंगे, रहने दीजिए ना। इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिक्स हो जाएगा। मिक्स कर लेते हैं, तो मिक्स होता है कैसे? बढ़िया से पूरा मिक्स हो गया। अब इसको निकाल रहे, देखिए कितना गाढ़ा है। गुल्लू खाएगा ना बेटा दही बड़ा? नहीं, नहीं खाएगा? बना दे, रुको। चलिए जल्दी से निकालते हैं। नंदिनी भी अपना तैयारी कर गई है धनिया पत्ता तोड़ने, वो लाएगी तोड़ के इसमें डालेगी धनिया पत्ता। तो रेडी हो चुका सारा कुछ। अब नंदिनी कढ़ाई में तेल डाल रही है छानने के लिए। और तेल लगेगा? हाँ, तो ये नहीं कि एक ही बार हम पूरा डालेंगे, दो दो तीन तीन ढोकर के डालेंगे। देखते हैं कैसा बनता है दोस्तों दही बड़ा। बहुत दिनों बाद बन रहा, होली में बना था एक बार, फिर होली में तो मस्त बना था, इस बार कैसा बनेगा पता नहीं, कोशिश करेंगे जो बढ़िया ही बने। तेल भी गर्म हो गया है दोस्तों। इधर नंदिनी का दही बड़ा का पेस्ट भी बढ़िया से पूरा रेडी कर लिए। अब नंदिनी दही बड़ा को डालेगी, पर लगता है थोड़ा ढीला हो गया ना, ठीक है। पता नहीं दोस्तों कैसा है, जब बन के निकलेगा कढ़ाई में तब पता चलेगा। ये लगता है थोड़ा सा ढीला हो गया ना, हाथ में नहीं आ रहा है। दही बड़ा है कि पकौड़ा बनाना है? आप जो कि आप ढीला कर दिए। हम ढीला किए हैं बाप, कोई बात नहीं। अरे दही बड़ा गोल भी बनेगा तो चलेगा? बनेगा, हम बना देंगे बढ़िया। नंदिनी को हो नहीं रहा है, हाथ में बैठाना अलग बात है, हाथ से ही तो छोड़ने पर ही पता चलेगा कैसा बनता है दही बड़ा। तो ये देखिए बना के निकालिए नंदिनी, रसगुल्ला टाइप में बन गया है, दही बड़ा टाइप में भी है, मतलब जैसे पाई वैसे बना दी नंदिनी। खाने से मतलब मुंह में जाकर थोड़ी पता चलेगा कि गोल था कि चपटा था। ये देखिए इसमें दिए हल्का से नमक और पानी, इसको हल्का से फुलाएंगे, पानी में फुला के फिर दही डालेगी। नया तरीका है क्या? देखिए इस बार ना पे इसका जो है ना मोटा रहेगा, पतला एकदम नहीं है। देखिए तो दही डाली, पानी नहीं डाली है। इसमें भी देंगे काला नमक देंगे, हाँ काला नमक, और इसमें लाल सूखी मिर्च है, देखिए जो पाउडर बना है, देखिए लाल मिर्च का चिली फ्लेक्स। नंदिनी का नाम वो ज्यादा तीखा हो जाएगा। इसका नाम क्या रखी नंदिनी? चीनी। बाप रे बहुत ज्यादा हो गया तीखा। चलेगा, मजा आएगा। आए नमक बन गया, बन गया दही बड़ा, खाएगा? बन गया, हाँ तो बन गया, चिंता क्यों कर रहे हो। चलिए अब बेटर तैयार हो रहा दही का। ये पानी से निकाल के नंदिनी अब दही में डाल रही है। हो गया रेडी? तो हमारा दही बड़ा बन के रेडी हो चुका, देख सकते हैं ऐसा है। अभी नंदिनी उसमें चाट मसाला ये सब डाल के रखेगी। देखिए कितना अच्छा से रख दिए सजा के। खाना नहीं है? खाना नहीं है, कहीं रखने के लिए बनाई है? दे रहे हैं, निकाल दे। हाँ खा लेंगे, फिर जाएंगे हम काम करने। हमारे चाट मसाला है, ये देखिए चाट मसाला है और काला नमक है। आगे निकालते हैं दही, ये देखिए ये बड़ा वाला निकालते हैं। रुको 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 रुको, दे रहे। चलिए दो कटोरी निकल गया है दही बड़ा। गुल्लू तो सादा ही खा रहा है दोस्तों। इसमें देंगे चाट मसाला है, देखिए, और इसमें भी चाट मसाला, अरे हमारा सूखा लाल मिर्च तीखा। खाने में बहुत मजा आएगा, चटपटा एकदम। आई है काला नमक, बस
ये हमारा बनके रेडी है दही बाड़ा, तो आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा बना है ना। तो जी खा के देखे ना, खाओ तुम पहले, देखते हैं कैसा लग रहा है। आप खा के देखिए ना, हम बोलेगा फिर अपना अपने तारीफ कर रहे। चलिए देखते हैं दोस्तों, मस्त पर चटपटा है। उस बार से अच्छा बना ना? बना तो अच्छा है, लेकिन दही बड़ा गोल गोल बना दी, हिंदी रसगुल्ला टाइप दो तीन तो बनाई। और देखो क्या कर रहा है, फोड़ने का विचार में है। चलिए दोस्तों इधर दही बड़ा बनके रेडी हो गया, मेरे को काम में जाना है। हम साइकिल निकाल लिए थे, साइकिल मांग के लाए थे, और दो ठो बोरा लेना है, और उसमें लेके आएंगे अपना सामान। बोरा दो बोरा ले जाएंगे। तो ये देखिए दो बोरा भी ले लिए हैं, इसी में भर के लाएंगे, इससे गोबर खाद को कोड़ेंगे और इस दो बोरा में भरेंगे। बुचिया रानी यहाँ सो रही है, तो दे दो, खाने वाला चीज है तो खाएगा ना दही वाला। और उससे खाता है बेटा, बढ़िया से खाओ। हाँ तीखा मत देना इसका, में समझा, नहीं तो खाएगा भी नहीं वो। अपने ले लिए हम, क्या करें। तो दही बड़ा खा लिए हैं, काफी मजा आ गया खाने में, लेकिन पूरा चटपटा आ गया खाने में, मजा आ गया। एक चम्मच यार, एक चम्मच गुल्लू भी खाए थे तो बहुत मजा आया। दो ना, अपना सोच कर रहा है, सोच क्या रहा है, पंछे को सारा आप ही खा गए। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, बात क्या है ना कि पूरा हल्का हल्का बनाई ना नंदनी, पूरा ढीला था बेटर, तो पूरा एकदम हल्का बना। तो चलिए हम भी निकलेंगे यहाँ से गोबर लाने, गोबर खाद तुम ही जाएगी। हाँ साइकिल पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो बोरा रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर सब जाएगा मेरा। कुल्लू तो ये भी करेगा, अरे तो देखिए यहाँ सो रही, ये भी जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हम निकल रहे हैं, क्यों हम जा रहे साथ में ना, कि साइकिल पकड़ना पड़ेगा ना इसलिए। और आज फर्स्ट बार जा रहा है गुल्लू साइकिल में बैठ के पापा के साथ। जब चोट नहीं बेटा, गया ऐसे गिरेगा, नहीं गिरेगा उसको ना, डर लग रहा। गाड़ी में जाके डायरेक्ट बैठ जाता है। अच्छा गाड़ी में कैसे जाके बैठ जाता था? ये पकड़ो पकड़ो, हाँ चलो चलो। पी पी। आ गए हैं गोबर खाद लेने के लिए, और यहाँ पे अब साइकिल को लगा दिया है, गुल्लू घुमा रहा है, और आसिफ जी नीचे उतरे हैं लेने के लिए गोबर खाद, है ना जी। यही वाला है, तभी बोरा लेके आया, अभी दो बोरा लेके आए, दोनों में भरेंगे ना। भर लीजिए जल्दी, देर देख देख के भरते है। ये देखिए इसको तोड़ तोड़ के जल्दी उठाइए, एक घंटा से नहीं तो उसे करते रहेंगे। देखिए ये देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। चलिए अभी आशीष जी अपने खाद भरेंगे, और तब तक है यहाँ पे हम और फुचकी को लेके बैठे हुए हैं ना। फुचकी वो देख रही है चुपचाप, इसको भी घूमने का बहुत मन करता है जी। एक बोरा भर के लेके आ गए हैं, उसको भारी है ना, तो रख दीजिए अभी यहीं पे रखिए, वो हेल्प कर देंगे आपका, साइकिल पकड़ दीजिएगा। और एक बोरा बचा है, उसको भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं ना है जी, ले जा रहे तो इन्हीं का गोबर खाद, इनकी दीदी का, इनका दिक्कत नहीं है, कि पूछ के ले जाना चाहिए ना। जल्दी भरिए, एक बोरा भरे थक गए नहीं। तो चलिए गोबर खाद आशा जी भर लिए हैं, और अब ना साइकिल में ले रहे, पता नहीं साइकिल जा पाएगा कि नहीं, पता नहीं, ये साइकिल का अंजर पंजर खत्म हो चुका है, फिर भी काम चला भर है ना। हम चलाओ वाला तो पकड़ दीजिए जी, एक तरफ वाला दीजिए ना, पकड़ लेंगे। चलिए हो गया, ये ले उठा बेटा, सब खत्म हो गया। चलिए हाँ लेके चलो, चलो ये लेके चलो, ये बोलता हम भी बैठेंगे, पागल है क्या, कहाँ बैठेगा। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, सीधा यहाँ से लेंगे और यहाँ से सीधा घर जाएंगे। गुल्लू बैठ ही गया लास्ट में, कैसे लेके जा रहे इसके पापा, पागल लड़का, पसीना हो गया, दो बोरा में इतना पसीना हो गया, और बाकी कितना उठा था तो पता नहीं। तो चलिए निकलते घर, आ जा से
वहाँ ऊंचा है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है ना जी। साइकिल में ना देख रहे, इतना आसान चाहिए सारा काम, मिलते पूरा अंदर तक चल जाएगा। वो अभी ना पूरा उछल दीजिए गोबर खदवा, अभी लाइएगा बोरे, फिर जाएंगे लाने के लिए। तो चलिए इतना तो दो बोरा लेके आ गए दोस्तों, सोच रहे यार दो बोरा लेके आ जाए क्या, एक ही बार हो जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कांच में पानी कचरा डाल रहा है, गंदी बात बोलो मत करो। चलिए दोस्तों आज जाएंगे दो बोरा लाने। चलिए तो ब्लॉग एंड करते हैं, काफी मेहनत हो गया है, और भी करना है तो क्या एक ही चीज दिखाना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय कर दो, बुचन बाय बाय करेगी, कर दो बुचन बाय। नहीं।